त्या ठिकाणी त्यांच्या जो उपलब्ध असताना डोझियर्स उपलब्ध असताना परवानगी दिली, त्या ठिकाणी विषारी भाषणं झाली, समाजामध्ये तेढ निर्माण करायचं एवढा एकमेव उद्दिष्ट समोर ठेवून हे काम या ठिकाणी होताना दिसतंय। आणि अशा परिस्थितीत काहीतरी थातुरमातुर कलमं लावायची तीही स्वतःहून लावलेली नाही सरकारने। जेव्हा आम्ही त्या ठिकाणी आंदोलन सुरू केलं तेव्हा या सरकारला जाग आली। आणि मला आता आश्चर्य वाटतं की आता म्हणजे राम मंदिराचे पैसे सरकारने द्यावे की जनतेने द्यावे याकरता अग्रलेख येतो, परंतु शर्जीलच्या अशा प्रकारच्या वक्तव्यानंतर चार दिवस कुठलेही अग्रलेख लिहायला देखील फुर्सत आपल्याला मिळत नाही, चार दिवसांनी त्या संदर्भात जाग येते, अशा प्रकारची अवस्था आज या ठिकाणी पाहायला मिळते आहे आणि सरकार यांना पाठीशी घालताय। देखिए जिस प्रकार से पूना में कार्यक्रम हुआ और वो परिषद के लोगों को परमिशन दी गई, वो परमिशन देना ही गलत था, क्योंकि ये जो परिषद वहां पर होती है ये केवल समाजों में बैर बढ़े, झगड़े हो, इस प्रकार के वक्तव्य करने के लिए ही वो वहां पर उस प्रकार की एल्गार परिषद ली जाती है। इसके सारे डोजियर सरकार के पास थे, इसकी सारी जानकारी सरकार के पास थी, बावजूद वहां ऐसे लोगों को आने दिया गया, हिंदुओं के खिलाफ, समाजों के खिलाफ गंदे गंदी बातें कहने को उनको वहां मौका दिया गया और उसके बावजूद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमने आंदोलन किया तब कार्रवाई वहां पर हमको होती हुई दिखाई पड़ी। और मुझे एक चीज का आश्चर्य लगता है कि राम मंदिर के लिए पैसा समाज से लेना चाहिए या सरकार से लेना चाहिए, इसके ऊपर तो तुरंत पेपर में लिखकर आ जाता है, अग्रलेख छपकर आ जाता है, लेकिन शर्जील ने ये सारी चीजें बोलने के बाद तीन चार दिन तक तो हम सोए थे, उसके ऊपर कोई लेख नहीं लिखा गया, उसके ऊपर कोई बात नहीं कही गई। कल जब हम लोगों ने आंदोलन करके उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए सरकार को मजबूर किया तब जाकर उसके ऊपर लेख आता है, तो किस प्रकार की भूमिका है इसमें से स्पष्ट समझ आता है। आशीष जी, चर्चा शुरू है, पुनः तैयारी जिस प्रकार से कल ये चीज ध्यान में आई कि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है और कुछ लोग जानबूझकर किसान आंदोलन के कंधे पर बंदूक रखकर इस देश में अराजकता कैसे फैले, ये देश दुनिया में बदनाम कैसे हो, देश विरोधी ताकतों को एकत्रित करके किस प्रकार से इसके खिलाफ अलग अलग दुनिया के देशों में भारत के बदनामी के कार्यक्रम चलाया जाए, इसको एक सिस्टमेटिक रूप से किस प्रकार से भारत को बदनाम किया जाए, ये सारी चीजों का भंडाफोड़ कल जो डिलीट ट्वीट में सारा फॉर्मेट आया उसके कारण हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमको जागना होगा और किसानों के नाम पर या उनके कंधे पर बंदूक रखकर ये देश विरोधी करतूत करने वाले देश के बाहर बैठकर और अलग अलग लोगों को पकड़कर ये जो लोग काम कर रहे हैं इनको एक्सपोज करना होगा। राष्ट्रवादी, हिंदी।